नमस्कार किसान भाइयों, आपकी अपना YouTube चैनल यूपी किसान हमारा जानते हैं। जैसे जैसे इधर हमने गोभी सामान्य तरीके से गोभी की खेती किया हुआ है, जैसे कि आपको दिखाते हैं जो प्लांट दिख पा रहे होंगे कितना स्वस्थ कितना बढ़िया ग्रो में चल रहा है। वहाँ भी प्लांट देख सकते हैं, कुछ प्लांट छोटे भी हैं क्योंकि वो हमारे वहाँ बारिश की वजह से कुछ पौधे नुकसान हो चुके थे। इससे क्या है फसल कि हमारी जो फसल है वो इसमें अभी 19 दिन की हुई है, जो आप देख सकते हैं हमारे खेत में। यह हमने साधारण विधि से रुपाई किया हुआ है गोभी की। यह गोभी हमारी देसी वैरायटी है जो कि आप देख सकते हैं यह रुपाई से 45 से 50 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी डिस्टेंसिंग की, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई पर लगाई गई है। तो जो यहाँ से यहाँ तक आपको चौड़ाई दिख पा रही होगी साइड की, यह है 42 सेमी और 42 सेमी चौड़ाई है और 42 सेमी लंबाई पे लगाया गया है। प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी जो इसकी है वह स्वस्थ दिख पा रही होगी आपको, काफ़ी पत्ते हरे भरे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी ये गोभी की खेती है इनमें खरपतवार था उसको हम लेबर के माध्यम से निकलवा दिए हैं, और साथ ही लेबर के माध्यम से निकालने के प्रयास की निराई गुराई जस्ट किए हैं। देख सकते हैं जैसे प्लांट आपको काफ़ी हरा दिख पा रहा होगा, लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं जो कि जो ये ऊपर के पत्ते हैं वो क्या होते हैं इस तरीके से पीले होकर पकने लगते हैं। तो उनके लिए आप मैनकोजेब 12% और कार्बंडाजिम, वो मैनकोजेब 63% और 12% कार्बंडाजिम दोनों को लेकर एक साथ मिक्स करके किसी भी कीटनाशक के साथ और साथ ही किसी भी फंगिसाइड और किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ स्प्रे करेंगे। जो वो दिक्कतें हैं जो झुलसा बीमारी आती है, जो पत्ते पीले होते हैं, या जो आपको ये दिक्कतें देखने को मिलती है वो दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। बात करते हैं कुछ विकास और ग्रो के लिए, तो आप यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रेंट और साथ ही यूरिया के साथ आप एनपीके जिसे 19:19 कहा जाता है आप उसको डाल सकते हैं। इनको साथ में डालने से आपको क्या होगा, जो प्लांट होगी वो काफ़ी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से आप पौधे की ग्रो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारी गोभी की खेती है, बात करें अगर एक एकड़ गोभी की रोपाई करने में आपको कितने सीड की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 18 से 20 हज़ार प्लांट आपको प्लांटेशन करना पड़ता है। फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं ये जो हमारी प्लांट है वो काफ़ी हरा भरा और काफ़ी मतलब अच्छा दिख पा रहा होगा, क्योंकि हम इसके समय समय पर निराई गुड़ाई, समय समय पर दवा का स्प्रे, समय समय पर खाद सभी की डालने वाले, इसलिए हमारी जो गोभी की खेती है वो काफ़ी आपको हरा भरा दिख पा रहा है। चलिए आइए आपको हम दिखाते हैं खेत में जो तना छेदक कुछ कीट आते हैं जो कि देख सकते हैं हमारे पास हाथों के पास, ये इस तरह से जो कहते हैं इसको मेन वाले जो है जो फूल आने की जो प्रगति प्राप्त करती है वो क्या होगी ख़त्म हो जाएगी। तो वो अगर आप समय पर अगर दवा स्प्रे करते हैं तो वह नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स सर जैसे देख सकते हैं आपको कई वैरायटी मार्केट में देखने मिल जाती है, कुछ तो इस तरीके से मतलब होती है, कुछ उस तरह से नीचे की तरफ पत्ते होती हैं, मतलब कई वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाती है। हमने देसी वैरायटी लगाई हुई है जो कि आपको 10 से 12 रुपये प्रति ग्राम मिल जाती है। ये जो पत्ते हैं ये थोड़ा सा भूरा क्वालिटी की होती है, और जो इसके ग्रो के जो इसके हार्वेस्टिंग की टाइम है वो बहुत जल्दी कट जाती है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को देखकर आप इस सितंबर माह में गोभी की खेती आराम से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स गोभी की खेती की एक संपूर्ण जानकारी आपको लगभग मिल ही चुकी होगी।